हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वाई फाई ज्ञान में। सो गाइस, यहाँ पर आठवीं पास पर आपके लिए बम्पर भर्ती निकल कर आई है। इसमें आपकी परीक्षा नहीं है, आपको डायरेक्ट ही इंटरव्यू पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसमें आपकी फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, जल्दी से आवेदन कर डालिए। आठवीं पास पर ये बहुत ही बम्पर भर्ती है आपके लिए, सरकारी नौकरी में बम्पर भर्ती निकल कर आई है। तो इस फॉर्म की बेसिक डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे आवेदन करना है, किन किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस फॉर्म का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब की पल पल की नोटिफिकेशन देते रहते हैं इस चैनल पर। कोई भी न्यूज और नोटिस आती है, वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि दोस्तों, हम आ गए हैं इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर पर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में भर्ती है। यह कानपुर से जॉब आई हुई है, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। क्लियर, इसकी जो पोस्ट है आपको प्रोजेक्ट अटेंडेंट लेवल 1 पर यह पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सैलरी जो मिलेगी वो यहाँ पर 24,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि आपकी जो कि आठवीं पास, यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 पास और प्लस 4 इयर्स का अगर आपका जो कि एक्सपीरियंस है, और 10th पास यानी कि 10th प्लस 2 इयर्स रिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपका 8वीं पास के बाद योग्यता, अगर आपका 4 साल किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो कि एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म के से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ डिटेल्स आपका दिया हुआ है। उसके बाद हम सीधे आपको मुद्दे पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसे अप्लाई नहीं करना है, बस आपको केवल इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। ईमेल आईडी आपके सामने है strlab.ce@gmail.com, इसी पर आपको जो कि भेजना है। आपको यहाँ पर इस पते पर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपना भेज देना है, 8वीं पास की मार्कशीट, अगर आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, उसके बाद फ़ोटो, मतलब पूरा जो कि आधार कार्ड डिटेल सारा है कुछ लेकर आपको स्कैन करवाकर इस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। और आपको यहाँ पर इंटरव्यू पर बुलाएंगे और आपको डायरेक्ट ही सिलेक्शन ले लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बात करें कि यहाँ पर फीस आपसे डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी नहीं लेगा, ना ही आपको यहाँ पर कुछ भी एग्ज़ाम देना होगा, डायरेक्ट ही आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। बस आपकी 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, जल्दी से अपना पूरा डिटेल्स इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। ईमेल आईडी एक बार और देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि strlab.ce@gmail.com, इसी पर आपको भेजना है। इसी ईमेल आईडी पर अपना जो कि पूरा डॉक्यूमेंट सारा कुछ यहाँ पर भेज दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।